टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 7 शरबत ने दिल जीत लिया। लेट्स रीड द चैप्टर। एक 6-7 वर्ष की छोटी सी लड़की गोपाली अपने घर के बाहर अपने दोस्त मोहित के साथ खेल रही थी। खेल में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी मीन्स झगड़ा हो गया, जो जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। आखिर में मोहित ने गोपाली को खूब बुरा भला सुनाया। आखिर में मीन्स लास्ट में, एंड में, झगड़ा के लास्ट में दोनों ने झगड़ा किया, फिर वापस मोहित ने गोपाली को खूब बुरा भला सुनाया और फिर उससे बात करनी बंद कर दी। जैसे आप लोग भी झगड़ा करते हैं ना, और झगड़ा करने के बाद अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हैं, सेम मोहित ने गोपाली से भी बात करना बंद कर दिया। अब क्या था, गोपाली की आंखें गुस्से से लाल हो गई। गुस्से से लाल हो गई मतलब बहुत उसको गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गई। वह पांव पटकती सीधे घर जा पहुंची। पांव पटकना मीन्स क्रोध दिखाना। जब हमको गुस्सा आता है तो हम हाथ पर पटकते हैं ना, है ना, उसी प्रकार गोपाली को भी बहुत गुस्सा आया। घर में उसके पिता अपने एक मित्र के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। वे सज्जन गरीबों और दुखियों के बड़े हमदर्द थे। हमदर्द थे मीन्स उनकी हेल्प करते थे, वो बहुत दयालु थे, है ना। पिता ने अपनी बेटी को का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठे, क्या हुआ बेटी। जब वो गुस्से से घर आई ना, तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा दिखा रही हो। तो उसने कहा, नहीं पिताजी, कुछ नहीं, जरा मुझे अपनी छड़ी दीजिए, मैं एक लड़के की पिटाई करूंगी। गोपाली ने गुस्से से कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पिता के मित्र ने समझाया। जो उनके पापा के फ्रेंड आए हुए थे ना उनके घर में, तो उन्होंने समझाया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं करना बुरी बात है। उसकी यह मजाल कि वह मुझे बुरा भला कहे, मजाल मीन्स उसकी हिम्मत, और आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं उसे कुछ नहीं कहूं। गोपाली ने कहा, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकती। हरगिज मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, मैं उसे जरूर सजा दूंगी। सजा मीन्स पनिश करूंगी, उसको दंड दूंगी। मित्र बोले, उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे भी गुस्सा आ गया होगा, आखिर उसे मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा, उल्टा बाद में तुम्हें भी तकलीफ होगी। इसके अलावा उसे इस प्रकार सजा दोगी तो उसके मन में तुम्हारे प्रति हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दुश्मनी मीन्स वो हमेशा के लिए तुम्हारा एनिमी हो जाएगा, है ना, तुम और शत्रु बन जाएगा वो तुम्हारा। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वह अपने किए पर पछताए। इतना कहकर वे एक गिलास शरबत का उठाकर लाए और गोपाली के हाथों में थमाकर बोले, जाओ उसे यह शरबत पिला दो। ना चाहते हुए भी जब गोपाली ने शरबत का गिलास ले जाकर मोहित को दिया, तब वह हैरान रह गया। साथ ही उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। मोहित ने गोपाली से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। क्षमा मांगी मीन्स उसे अपने उसको गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने उससे माफी मांगी। गोपाली ने खुश होकर मोहित को क्षमा कर दिया, मीन्स उसको माफ कर दिया, है ना। दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। ओके स्टूडेंट, गोपाली और मोहित नाम के दो फ्रेंड थे। दोनों आपस में खेलते खेलते दोनों की कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उनके बीच में झगड़ा हो गया और उन्होंने बात करनी बंद कर दी। और गोपाली गुस्से से तमतमाती हुई अपने घर आई और घर आके अपने पिताजी से उसे मारने के लिए छड़ी मांगने लगी। तभी उनके यहाँ बैठे उनके पापा के जो फ्रेंड बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको गोपाली को समझाया कि किसी के साथ भी झगड़ा करना बुरी बात है और झगड़ा करने से दुश्मनी पैदा हो जाती है, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उसे पछतावा होए, है ना। तो उसके बाद उनके फ्रेंड ने, पापा के फ्रेंड ने उनको गिलास में शरबत दिया और कहा कि तुम जाके मोहित को शरबत दे दो। गोपाली ने ना चाहते हुए भी जाके मोहित को शरबत का गिलास दे दिया और मोहित ने जब देखा कि वो उसके लिए शरबत लेके आई है, तो वो बहुत हैरान हो गया और उसे अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा हुआ और मोहित ने गोपाली से क्षमा मांगी और गोपाली बहुत खुश हो गई और दोनों वापस से फ्रेंड हो गए। सो के स्टूडेंट,
सो मॉरल ऑफ द लेसन इज कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करके या बदला लेकर बदला लेकर नहीं, बल्कि हम एक अच्छे व्यवहार से, हम अपना अच्छे बिहेवियर से हम दूसरे का जीत जीत सकते हैं. ओके स्टूडेंट.